मुझे हनी कहें, अनिल बिल्ला कहें, आप क्या मेरे भाई, मैं रेडी लाई है थे कोई। देखिए ऐसा होता होता है, मेरे आगे इतने आइडियाज चोरी हुए हैं। किसने क्या चोरी किया? मैं आप किसी पे यकीन करने वाली पोजीशन में नहीं हूँ। रिक्शा खड़ा है आपका बार बार, आप टाइम देख रही है। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम। सबसे पहले तो आपने भाई नहीं कहना प्लीज, आई हेट दिस वर्ड। मुझे हनी कहें, अनिल बिल्ला कहें, आप क्या मेरे भाई, मैं रेडी लाई है थे भाई। दाएं जरा अपना ये चादर किस तरह की। अच्छा मिस्टर अलबेला कह लूँ आपको? यस ऑफ कोर्स। देखिए कितना अच्छा नाम लग रहा है आपके मुंह से मिस्टर अलबेला। ये बताएं कि आपकी आज आप क्या बर्तानिया की मलंगनी टाइप बनी हुई है, क्या आपने अपना किया हुआ? हाँ मैंने सुना था कि आपकी सर्जरी हुई है तो जी। इस चीज़ को तो टाइम गुजर गया, आप तो ठीक हो चुकी है। ठीक अल्लाह का शुक्र। असल में हमने आपका पता काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन आप नामालूम अफराद की तरह गायब हुए हुए थे। नहीं मैं यहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब तो वो डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह 8-10 हज़ार ऑपरेशन कर चुके होंगे जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी। अच्छा असल में हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, मैं बेहतरीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं। स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था जी जी। स्माइल तो आफ्ताब साहब क्यों तलवार लेके आपको ढूंढ रहे थे? पता नहीं, मैंने तो कुछ है चुके था वो तलवार उन्होंने, मैं शायद खरबूजा कटना हो, उन्होंने ऐसा भी होता है तलवार से खरबूजा काटा जाए। अच्छा आगे आपके क्या प्लान है? जी मैं काम करूंगा इंशाल्लाह, और काम कर काम तो आप पहले ही कर रहे हैं। वेल्डिंग करूंगा मैं, चार पहियां बनूंगा, ठीक है जी, नाले परांदे बेचांगा जाके, मैं काम काम ही होता है। क्या हो गया आपको? अच्छा मैं कुछ देर पहले सुन रही थी कहीं आपने इंटरव्यू दिया कि आप हीरो बनने की ख्वाहिश रखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश क्या मतलब, क्या मुझे क्या है ये देखिए बाल है। अरे बालों को क्या होता है, लोग गंजे हीरो आपने देखे नहीं मार्लन ब्रांडो, वो मेरी तरह का ही है। क्या हुआ मेरे ख्याल आप जाना चाह रहे? अच्छा लाफेज आप जाना किधर चाह रही हूँ, बातें करनी थी आपसे। शायद आप हीरो के लिए बालों का होना जरूरी नहीं है, ये फेस जरूरी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैं खूबसूरत इंसान हूँ। अच्छा मैं खूबसूरती से तो रिक्शा खड़ा है आपका बार बार, आप टाइम देख रही है बाहर वो रिक्शा स्टार्ट खड़ा। इलेक्ट्रिक वॉच कहते हैं इस पे, मेरे मैसेजेस अपीयर होते हैं। अच्छा 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 जी। कोई कितने की होगी माशाल्लाह ये? आपने खरीदनी है? नहीं मैं इतनी महंगी घड़ी पहनता ही नहीं। आपने कौन सी पहनी है? जी मेरी रड्डो। तो ये महंगी नहीं है? नहीं वो क्या कीमत होगी इसकी? जी क्या कीमत होगी? उसको पता होगा जिसने गिफ्ट की है, मैं तो ये मुझे गिफ्ट है। आगे आने वाले आप क्या आगे आने वाले जंप आगे आने वाले नहीं आगे आने वाले प्रोजेक्ट जी मैं आपको क्यों बताऊं, मैं अपने तौर पे मेरा प्रोडक्शन हाउस मैंने बनाया है। एक सेकंड अनिल बिल्ला चैनल क्यों बताऊं? मैंने आपका आइडिया चोरी थोड़ी कर लिया। देखिए ऐसा होता होता है, मेरे आगे इतने आइडियाज चोरी हुए हैं। किसने क्या चोरी किया? मैं आप किसी पे यकीन करने वाली पोजीशन में नहीं हूँ। तो किसकी घड़ी आप पहन रही है उसको वापस कर रहे हैं बार बार, आप टाइम देख रही है क्या? भाई मेरी अपनी तो अपनी घड़ी आप ही की है, कोई नहीं छीनता यहाँ पे। आप किसी डाकुओं की जगह पे नहीं आई, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है बल्कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है। अनिल बिल्ला चैनल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं? जी मैंने किया। अरे गुड, बात अच्छी है। इतना खुश होने वाली क्या बात है? देखिए कतरे कतरे से दरिया बनता है, आज आपने किया कल को आप आगे किसी और को कहेंगे कि ना करना। मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। नहीं आप कहें, अपने व्यूअर्स को कहें ना, एक सेलिब्रिटी हूँ मैं और उसका चैनल करना चाहिए। आप तो ऑलरेडी क्या वो सिल्वर लेके तो बैठे हैं ना बटन? नहीं सिल्वर से मेरा गुजारा नहीं होता, कम से कम गोल्डन बटन होना चाहिए। अच्छा आई लाइक्ड गोल्डन बटन। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में क्या पानी तो नहीं पै गया थोड़ी कड़ी बार बार क्यों देख रही है भाई? वो असल में वक्त ज्यादा हो गया तो मैंने कहा मैं पूछ लूं। अच्छा ये बताएं अपना फेवरेट कलर नहीं कभी बताया कर। मेरा पिंक ब्लैक। लड़कियों वाला रंग पसंद है आपको? पिंक जरूरी नहीं लड़कियों वाला कलर। पिंक मैंने किसी मर्द को पिंक पहने नहीं देखा। वो फिर मर्द ही नहीं जिसको पिंक कलर अच्छा आपको मैं अब सिर्फ पिंक रंग में मलबूस सोच रही हूँ कि आप कैसे लग रहे होंगे। बहुत अच्छा, एक प्रिंस एक शहजादा पिंक रंग में। पिंक रंग में फ्रॉक पहने हुए पागल मैं लच्छो बांध रही हूँ, क्यों मैं फ्रॉक पहनूंगा? मैं पिंक अपना वो पहनूंगा। मैंने आज तक कभी मेरे चश्मे तसव्वुर में ये चीज नहीं आ रही। अच्छा मैं कि इतनी बड़ी चीज पिंक रंग के किसी लिबास में हो सकती है? इतनी बड़ी चीज क्या मतलब? मतलब आप ब्लैक कोट पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर, आई लव इट। सोचें जरा उसको बचपन में हमारे ना पोल का कसाटा आती थी, एक आइसक्रीम कसाटा। हाँ। क्या ब्रांड? अंदर वो स्ट्रॉबेरी होती थी, ऊपर वनीला और नीचे चॉकलेट, वैसे ही लगेंगे आप। अमीर लोगों का शौक है ना चॉकलेट कसाटा। आपने गोला खाया कभी? गोला
गोला, गोला जिसके ऊपर रंग डालते हैं उस तरह, नहीं वो हैजा गोला कहते थे, पता नहीं वो हैजा, हम तो हैगा गोला कहते थे, गोला हैगा कि नहीं हैगा नहीं सीरियस रहते हैं, क्यों आप इतना सीरियस, कोई आईसीयू में इंटरव्यू हो रहा है क्या? आप मुझे ये बताएं कि जो मुल्क के हालात हैं उन पे आपकी, आप उन क्या तज़िया करते हैं मुल्क के हालात का? मैं कोई दानिश्वर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुल्क के हालात जैसे भी हूँ, जिसके पास पैसे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो जरा मांग रहा है, दो तरह के लोग, मैं मांग रहा हूँ मैं अगर कहता कि मैं सर्वाइव कर रहा हूँ अपने, पैसे कहाँ से आए? मैंने बिल्कुल ये नहीं पूछना था। नहीं आप ये जो जर्नलिस्ट लोग हैं ना, ये इस तरह करते हैं, सवाल फंसा लेते हैं। अच्छा। तो वो अल्लाह का शुक्र, आपकी कौन सी टैक्स रिटर्न्स मांग ली थी? वैसे टैक्स भरते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आर्टिस्ट में कम ही लोग भरते हैं? नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत सारे लोग भरते हैं टैक्स, और वो अपने अपने पास उन्होंने कहाँ से भरना होता है? नहीं मतलब, नहीं काम करते हैं, लिखना पढ़ना नहीं, वो हमने रखे हुए बंदे, वो आगे से सारे टैक्स फाइल कर देते हैं। मैं तो पूछ रही थी आपने कितना पढ़ा लिखा हुआ है? आपको जंत्री लिखवानी है आपने मुझसे? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन की सर किसी को नहीं पता, मैं बताना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ रवाज नहीं है आपके पढ़े लिखे होने का। नहीं मैं अगर बताऊंगा मैं ग्रेजुएट हूँ तो लोग कहेंगे यार कम कर, तो काम कर लिया। अच्छा वो लोग कहेंगे झुकते करो ना? नहीं झुकते, देखिए मेरा पैशन है। हाँ सबसे लाफानी जुगत आपने कौन सी की? मेरी हर जुगत ही लाफानी होती है, लोग गिर जाते हैं बेहोश, मसलन कुर्सियों से गिर जाते हैं। बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है भाई। मैंने दो तीन बंदे बेहोश किए हुए हैं जुगत करके, आपको शायद आईडिया है। जुराबे सुना? नहीं मैं मेरी जुराबों में आज तक स्मेल नहीं आई क्योंकि मैंने कभी पहनी नहीं है। यहाँ पड़ी ना हो कहीं उसकी वजह से शायद। वैसे मैंने यूके में मैं एक परफॉर्म कर रहा था, हम थिएटर के लिए गए थे, तो लिटरली मैं ये मजाक से इसके बात कर रहा हूँ, हमारे कुछ सरदार साहिबान थे, वो इस कदर हंसे तो कुर्सियों से गिर गए थे। वो एक सीक्वेंस इस तरह का था कि मैं फ़कीर बना होता हूँ तो मांग रहा होता हूँ, तो वो एक स्वीप ऐसी चली कि वो इस तरह हंसे कि बस, यानी कि आर्टिस्ट चले गए बाहर दौड़ के, मैं स्टेज पे अकेला खड़ा हूँ हंस हंस के। वो अजीब सा एक सीक्वेंस, मैं अब इधर देख रहा हूँ कभी पीछे देख रहा हूँ, दोबारा पड़ गया, गिर गए बाहर हंस रहे हो, पता नहीं वो क्या मुझसे हो गया, समय से बाहर दोबारा कभी नहीं हुआ? नहीं कभी भी नहीं जिंदगी में, ना मैं दोबारा कभी कर सकता हूँ इस तरह। क्यों? बस बस का तो एक स्वीप ऐसी अच्छी आ जाती है ना आपके हाथ में, आपको परफॉर्म कर रहे होते हैं और लोग असर से। अब देखिए ना मैंने आपका इंटरव्यू नहीं करना था फिर भी आपने जबरदस्ती इंटरव्यू मुझे दे दिया। आप सेलिब्रिटी ढूंढ रही थी मुझसे बड़ी इस वक्त सेलिब्रिटी? मैं आपका हाल पूछने आई थी, सेलिब्रिटी क्यों ढूंढनी थी मैंने? आप क्यों मेरा हाल नजूमी हूँ मैं, क्यों मेरा आप हाल पूछना चाह रहे हैं मुझे बताएं तो सही। आप फोन पर पूछ सकती थी क्या हाल है ठीक ठाक, फोन आप उठा ही नहीं रहे थे। मेरा है नहीं ना, मेरा तो चार्जिंग पर लगा किसी का फोन में। आई थिंक बाकी की बातें अब अगली नशस्त में करेंगे। नहीं आप अभी करें, आप कितने? मैं नहीं अब कर, सॉरी आपकी जूते और स्मेल जो है ना वो आप घड़ी आप किसी की पहनी हुई है आपने बार बार देख रही है नहीं भाई। और इस घड़ी के ऊपर उसकी फोटो आ रही है वापस यही रुकना पड़ेगा हमें टिल द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।